सबसे पहले तो भारत को भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई है कि पुनः तीसरी बार भी एक सशक्त सरकार को चुनने का उन्होंने फिर से प्रयास किया है और एक ऐसा जनादेश फिर से आया जिसको हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में शायद दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जिनको तीसरे टर्म में पूरी दुनिया ने ऐसे प्रणाम करके चुन लिया है आइए आपका स्वागत है और आज उसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए हम भी बड़ भागे बने हैं सौभाग्यशाली बने हैं एक बात और भी है क्योंकि परिवार अपना ही है देश अपना ही है सब अपने ही हैं अपनों से भी एक कुछ शिकायतें कह सकते हैं आ, कि सभी मनुष्यों को अपनी जिम्मेदारी निभाकर वोट करना चाहिए अगर वोटिंग थोड़ा और ज्यादा करते तो शायद और बेटर परिणाम भी आते और भी बेहतर यू नो सिचुएशन दिखती लेकिन ठीक है क्योंकि भारत तो क्या है कि बड़ा देश है बड़े देश की समस्याएं भी बड़ी होती हैं और सोच भी थोड़ी अलग होती है कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं तो बस गई गई को जान दे रही रही को थाम अब तो ये है आज का उत्सव है अब भगवान की एक कृपा है फिर भी की पूरा एनडीए अपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग भी उस खुशी में उस उत्सव में सम्मिलित होने आ गए हैं दिल्ली प्रधानमंत्री जी ने कहा ने कहा कि इसकी जो बेनिफिट्स हैं जो इसकी लाभ है वो मिलना शुरू हो चुके है। हैं कैसे देखते हैं ऐसा 10 साल अमृतकाल जो देखे हमारे तो अमृतकाल चल भी रहा है इसमें भारत एक्चुअली देखिए जी इतना आसान देश नहीं है भारत को चला पाना क्योंकि यहाँ पर बुराई के भी साथ बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और बुराई को सिस्टम का एक बहुत अच्छा हिस्सा बनाकर वो फिर ऐसी बात करते हैं जैसे बुराई बुराई ना हो उसके बाद यदि आप दीमा खटाने चले हों यदि उसके बाद आप जितने भी अनुचित है उसको मिटाने चले हों तो अपने आप में एक विशेष बात तो है और पिछले दस वर्ष में जन साधारण ने यह देख भी लिया कि भारत क्या हो सकता है भारत की स्थिति क्या हो सकती है भारत की क्षमता क्या है भारत की शक्ति क्या है भारत के ब्रेन्स में भारत के मस्तिष्क में क्या पावर है लेकिन उनको किसी तरह सप्रेस करके रखना सिस्टम का दुरुपयोग करना लूप होल्स निकालना यह तो होता आया लेकिन अब क्योंकि ठीक हो रहा है ठीक करना गलत को यह बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है क्योंकि नया बनाना बड़ा आसान होता है लेकिन बुरे को ठीक करना वो जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है वही हो रहा है तो मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह के जो नेतृत्व की बहुत एक आवश्यकता थी और शायद ईश्वर ने ही मेरे परमात्मा ने ही शायद देव सत्ता में ही हलचल मची होगी कि ये क्या हो रहा है पृथ्वी पर ये भारत देश भारत खंड में तो चलो वहां पर कोई तपस्वी भेजा जाए तभी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है और पहले रगड़ा है पचास वर्ष तक वो मनुष्य जन सेवा में ही रहा उसके बाद वो पूर्णतः राजनीति में आकर व्यवस्था का हिस्सा बने संविधान का हिस्सा बने और लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचे और उसके बाद देखिए अब कितनी चीजें बदल रही हैं विश्व तक भारत का मान बढ़ा है स्वाभिमान बढ़ा है पहले भारत को थर्ड वर्ल्ड गिनती में गिना जाता था अब कम से कम सोच थोड़ी परिवर्तित होना प्रारंभ हुई है और भारत देश की जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति कहेंगे वो भी बदल रही है मानसिकताओं में भी परिवर्तन आ रहा है लोग अब हम क्योंकि स्वच्छ भारत एम्बेसडर हैं उसके कैंपेन के तो लोग अब धीरे धीरे थोड़े से संभल रहे हैं मतलब एकदम बहुत अच्छा ऐसा हो गया और मिराकल हो गया वो भी नहीं है लेकिन लोगों की मानसिकता में थोड़ा बदलाव आ रहा है थोड़ी बात सुधर रही है तो ट्रम्प में अब लेन ड्राइविंग को एटलीस्ट अवेयरनेस तो आ रही है अब धीरे धीरे अवेयरनेस से ही प्रारंभ होगा हो सकता है पचास साल में पच्चीस साल में ऐसा भी आ जाए कि सब लेन में चल रहे हैं लेन ड्राइविंग हो रही है तो वो भी देखिए विदेशों की डेवलप्ड कंट्रीज की हम कंपेयर तो बहुत जल्दी करते हैं लेकिन उनमें जो सेंसिबिलिटीज हैं, उनको अगर हम थोड़ा थोड़ा अपनाएं, तो तब हमारे देश में भी क्योंकि कानून लगभग लगभग हर देश में सेम ही होते हैं, और बस सेंसिबिलिटीज़ से उसका निरूपण कैसे हो वो दिखता है अब भारत में थोड़ा थोड़ा सोच समझ इन सबसे में परिवर्तन आ रहा है और इसके लिए हमारे जो नेतृत्व हैं हमारे जो सत्ता में बैठे हुए सत्तारूढ़ी दल हैं उनके कार्यों से उनकी निपुणता से उनके समर्पण से ये बहुत प्रभाव पड़ रहा है जनमानस बदल रहा है युवा देश का बदल रहा है दिशा देश की बदल रहा है युवा देश का संभल रहा है दिशा देश की बदल रहा है तो इसी तरह से हमारा देश अब प्रगति पथ पर है और क्योंकि अमृतकाल जिस प्रकार से आप कह रहे हैं अमृत काल में तो भारत के विकसित होने का संकल्प लिया है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो अब हर देशवासी का अपना कर्तव्य बनता है कि इस पूरे प्रकल्प में इस पूरे संकल्प में वो साथ में जुड़ जाएं और कांधे से कांधा मिलाकर बोलें हाँ हम भी आपके साथ हैं चलो भारत को अब भारत की तस्वीर को भारत की तदबीर को अब बदल देते हैं जिस तरह से आपकी आवाज़ तीसरी बार शपथ लेने ले जा रहे हैं एंटी कुछ दो शब्द आप कहना चाहें प्रधानमंत्री मैं यही कहना चाहता हूँ कि देवों में हलचल मची और जल थल गगन ये तीनों इकट्ठे होकर प्रार्थनाओं में लगे तब मेरे महादेव का कुछ ऐसा प्रचंड कोई ये हुआ दिशा निर्देश कि जाइए और पृथ्वी सत्ता पर भारत खंड में अब इस सिंहासन पर बैठिए और इसको संभालिए ये। ये आदेश शायद हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिला है तभी कोई जब बात हो देश की परवाह नहीं शेष की तभी कोई ऐसा संकल्प लेकर जी सकता है वरना आज के जमाने में एक छोटी सी कुर्सी मिलती है किसी को तो वो अपने तक ही सीमित होकर रह जाता है वो ज्यादातर स्वार्थ ही, ही होकर ही रह जाते हैं ऐसे में ऐसा कोई मनुष्य है जो जनमानस के लिए जी रहा है देश के लिए जी रहा है देशवासियों के लिए जी रहा है विकास के लिए जी रहा है और आदर्श कर है, स्थापित कर रहा है उदाहरण स्थापित कर रहा है प्रेरणाएं स्थापित कर रहा है एक ऐसी मां का सपूत तो ये तभी हो सकता है जब मेरे महादेव इस बात में पूरे में प्रपंच और पूरे बात में कुछ अपना मिरेकल अपना कुछ चमत्कार रचते और श्री मोदी जी एक चमत्कार से कम नहीं हैं, वरना कहीं ना कहीं डिग जाता है गए ऋषि मुनि भी डोल बोल फिर मेरा क्या दर्जा तो बड़े बड़े डोल जाते हैं जी और कोई एकदम सशक्त तपस्वी ही होता है जो अपने सुमार्ग पर प्रशस्त करता है मार्ग को बदलता भारत नए हौसलों का नया भारत ये है बदलता भारत नए हौसलों का